2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर बयानों का दौर जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी पर हमला करते हुए बोला है कि सुशील मोदी चुनाव लड़के दिखा दें। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम सुना देते हैं। अरे चुनाव तो हम पिछले ही और 32 सीट लाए नहीं थे, बिहार में लाए थे 40 में, 32 8 पर हारे थे छोटा सा वोट जाकर, और फिर एक बार 40 का हमारा पूरा विश्वास जाकर 40 में 40 पर विजय एनडीए हो गया करके, इसलिए हम लोग तय भी फार्मूला कर दिया है 17-17-6-40 तय कर दिया है। वो उन लोग अपना भविष्य देखें, अभी तक वो तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं जाकर। हमने तो फार्मूला हो गया तय, कितना सीट पर बीजेपी, कितना पर जदयू, कितना पर लोक जनता की पार्टी लड़ेगी, ये तय हो चुका है और आशा करते हैं कि जल्द ही मतलब उम्मीदवार की घोषणा भी होगी। सुशील मोदी में अगर हिम्मत है चुनाव लड़के दिखाया, सुशील मोदी तो MP रह चुके हैं भागलपुर से, तो मैंने रह चुके हैं जो आदमी सांसद, उनको क्या चैलेंज देना है जाकर। उपेंद्र कुशवाहा अपनी चिंता करें, इस पर खाता खुलने वाला नहीं जाकर उनका, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस समय तो बीजेपी की हवा थी, हमारा संगठन था बूथ से मतदान केंद्र से लेकर के और शक्ति केंद्र और प्रखंड और जिला स्तर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको जीत में अहम भूमिका अदा करने का काम किया, उनका कोई संगठन नहीं जाकर, हवा में बात कर रहे हैं जाकर, कोई सुन लीजिए जनता डेवलपमेंट चाह रही जाकर। और उपेंद्र कुशवाहा जी का हमें पूरा विषय लिख लीजिएगा, अभी रहेगा तो खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग थे तो 3 को आ भी गया था, केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिल गया था, पहले कहाँ बन रहे थे मंत्री जाकर, सरकारें तो थी, कहाँ को मौका मिला था। तो हम लोग आए तो उनका मौका मिल गया, और हम भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में, उनके कार्यक्रमों में, और लोगों ने आस्था व्यक्त किया जाकर। कांग्रेस को लोगों ने नकारा, कांग्रेस को रिजेक्ट लोगों ने किया और भाजपा को स्वीकारा, उसके कारण जीत गया, मंत्री भी बन गया जाकर। तो इस बार मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब और उनका खाता खुलने वाला नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रेम कुमार ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें बीजेपी की तरफ से इनको मिल गई थी, और इस वजह से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए वो जीत गए और केंद्र में मंत्री बन गए। इस बात पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, तो हो सकता है कि ये बात उपेंद्र कुशवाहा को बुरी लगे कि प्रेम कुमार इस तरह से बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के रहमो करम पर ही मंत्री बने हैं। फिलहाल बयानों का दौर जारी रहेगा, आने वाले दिनों में और भी तरह के बयान निकल कर आएंगे, उन सारे बयानों के जवाबों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट खबर के लिए आप LiveCities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, LiveCities पटना।